नमस्कार दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल पिछले 3 साल से शुरू है, लेकिन काफ़ी बार इस पर मैंने मराठी चीज़ें अपलोड की हैं, जबकि मैंने ये कहा है कि मैं इस पर हर तरह की चीज़ें अपलोड करूंगी, मेरे हर तरह का आर्ट मैं यहाँ पे रखूंगी। और किसी एक मेरे दोस्त को जब मैंने इस चैनल को दिखाया तो उन्होंने यही कहा कि हिंदी कंटेंट भी उस पर ज़्यादा अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा रहेगा, और इसीलिए मैं इसकी शुरुआत हिंदी कंटेंट से दोबारा कर रही हूँ। 3 साल में मैंने बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स जमा किए हैं या बनाए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइबर्स चाहे कितने ही बने, लेकिन अगर आप YouTube चैनल बनाते हो तो उसका कोई उपयोग भी होना चाहिए, तो वो उपयोग मैंने कभी किया नहीं जितना करना चाहिए था। सो इसीलिए मैं आज हिंदी पोस्ट डालकर या हिंदी में बात करके अपने कुछ विचार रख के इस चैनल को पुनः शुरू करना चाहती हूँ, ताकि हिंदी सब्सक्राइबर्स भी इससे जुड़े और इसे देखें। तो अगर बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक थोड़ा सा इमोशनल कहें या जो भी कह सकते हैं, लेकिन एक अलग टॉपिक पर हम बात करें, क्योंकि मारपीट घर में क्या कहाँ क्या चल रहा है, कौन किसका किससे झगड़ा हो रहा है, एक्टर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, सब हर किसी के बारे में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें बताता ही रहता है, और कई बार हमें उनसे लेना देना होता भी है, कई बार नहीं होता है, होना तो नहीं चाहिए। एक्टर एक्टर हैं, वो भी एक आम इंसान है, हमने उन्हें बनाया है, बड़ा बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी वो हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम उनको सलाह दें या हम उनको वो क्या करते हैं ये इसके बारे में सोचें, वो जो भी करें सोच समझ कर करें, इतना दिमाग तो शायद उनके पास है, ऐसा हमें मानना चाहिए, तभी तो वो यहाँ तक पहुँचने के बारे में सोचते हैं। दिमाग नहीं होता तो हम वो शायद आज यहाँ तक नहीं होते और हम उन्हें पहचानते भी नहीं। तो खैर, फिर भी मैं भी एक एक्टर के बारे में ही बात करने वाली हूँ, लेकिन उसके बाकी किसी चीज़ के बारे में बात बिना किए मैं एक अलग ही बात करने वाली हूँ, जो बात शायद मेरे लिए तो कम से कम अचंभित करने वाली थी, और मैंने इस तरह की उम्मीद कभी भी किसी भी एक्टर से या कलाकार से की नहीं थी, और वो हुआ तो मुझे थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा लेकिन शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने कई कलाकारों को देखा है, कई कलाकारों के साथ मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, कई कलाकारों के साथ कुछ हद तक जान पहचान भी है, और इसीलिए जब मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें एक आर्टिस्ट ने अपने फैन के जाने के बाद बड़ा ही भावुक होकर लिखा था, क्योंकि ऑब्वियसली 12 साल का उस कलाकार का उसके साथ साथ था, या उसने उसके उसकी जर्नी 12 साल की देखी थी, और अच्छी खासी जान पहचान भी थी तो होगी मतलब, और उसी के कारण उन्होंने वो पोस्ट लिखा था। 20 अगस्त को मैंने वो पोस्ट देखा था। अंबिका निगम नाम की एक फ़ैन थी जो कि करण मेहरा की, यानी ये रिश्ता में जिन्होंने नैतिक का किरदार निभाया, पिछले 8 सालों से उन्होंने हमें रिझाया कहें या जो भी कहें, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो किरदार निभाया। उसके बाद भी कई सारे किरदार निभाए, लेकिन नैतिक एक मन में बहुत बड़ा घर कर गया है,
जैसे राम और कृष्ण के किरदार को आज भी लोग 30-32 साल हो गए हैं पर लोग भूल नहीं पाते, वो बाकी सारे किरदार करते हैं, काफ़ी किरदार उन्होंने किए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम में से कई लोग उन्हें राम और कृष्ण मानते हैं, उनकी पूजा वगैरह भी करते हैं। ठीक वैसे ही एक आम किरदार को जब आप निभाते हो, साधारण मनुष्य के किरदार को निभाते हो, और तब आपको जब इतना बड़ा फेम मिलता है, जब आपको इतनी बड़ी पब्लिसिटी मिलती है, उसके बाद भी यदि आप ज़मीन पर रहते हो तो ठीक है, वरना अगर आप हवा में जाएं तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस कलाकार के बारे में, जितना मैंने इनको कुछ महीनों में देखा उसमें तो मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं, बल्कि इस उनकी उस पोस्ट ने शायद थोड़ा सा हमें ही ज़मीन पर लाकर रख दिया। अगर मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कई कलाकारों से बातचीत की है, मेरी कई कलाकारों से जान पहचान थोड़ी बहुत है, उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उनके फैंस के जाने पर वो इतने इमोशनल होते हैं या इतना इमोशनल पोस्ट लिखते हैं। जबकि और ये पोस्ट तब आया जबकि मैं आजकल हर बार ये सोचती हूँ कि आज के कलाकार या आज जो स्थिति है वो, और जो हमने स्थितियाँ देखी हैं हमारे दौर में, और हम शायद लास्ट जनरेशन थे जिन्होंने ये दौर देखा है कि जहाँ पे हम किसी के पास, किसी के भी घर पे धड़ल्ले से जाते थे, बिना बुलाए जाते थे, और हमें कभी ये नहीं पूछा जाता था कि आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ क्यों आए, फ़ोन करके क्यों नहीं आए, बिना बताए क्यों आए, बल्कि हम जाते थे तो हमारा अच्छे तरीके से स्वागत होता था, किसी का भी, ना सिर्फ मतलब कोई, अगर हम बीइंग ब्लाइंड हमें थोड़ी ज़्यादा ही सहानुभूति या सिंपथी मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन कई कलाकार हमने ऐसे देखे हैं कि उनके घर में कभी भी कोई भी जा सकता था। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को, ऐसे अच्छे और बड़े ही ज्येष्ठ लोगों को देखा है। वो दौर अब रहा नहीं था, रहा नहीं है, स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि शायद ये स्थिति, मतलब वो दौर ना रहना या इस दौर उस दौर का ना रहना थोड़ा ठीक भी है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि फैंस के प्रति कई बार आर्टिस्ट थोड़े से इनसेंसिटिव भी हो जाते हैं ऐसे मामले में, या फिर कहने को तो हम अब कहते हैं कि भाई आप हैं इसलिए हम हैं, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, आप ही हमें बनाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये रटे हुए शब्द हैं, वाक्य हैं, आते ही हैं आर्टिस्ट के मुंह से। ऐसे में जब एक यंग आर्टिस्ट जिसने अभी सिर्फ 12 ही साल की जर्नी पूरी की है, मेरे ख्याल से 12 साल फिर भी बहुत कम है, वैसे तो 17 साल उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिए हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन यही बात होती है कि कैमरा के पीछे जब आप रहते हो तो आपको कोई नहीं पहचानता, अगर थोड़े कैमरा के सामने आते हो, कुछ अच्छा काम करते हो तो, कभी कभी ना भी करो तो भी थोड़ा बहुत तो फेम मिल ही जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा मिलता है, जो इनको मिला लकीली उन्होंने उसको बनाए रखा, और उसको बनाए, सिर्फ बनाए नहीं रखा, उसको साथ लेकर भी वो अभी तक ज़मीन पर ही है, ये सबसे बड़ी बात है। और इस दरमियान उनका ऐसा पोस्ट आना, ये ना उम्मीद के बराबर था, मतलब
उम्मीद नहीं थी की थी मैंने कभी भी किसी भी आर्टिस्ट से इस तरह की। कहते हैं कि कलाकार हमें जो देता है देते हैं उनके प्रति हमारा एक ऋण होता है, हमें उसे अदा करना होता है, और वो किसी न किसी तरीके से हम उनके प्रति उसे अदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हर तरीके से हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। चाहे कितना भी कुछ भी उनके लाइफ में चल रहा हो, लेकिन वो अपना काम अपने कर्तव्य से कभी हटते नहीं हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए, अगर वो अच्छे काम करते हैं, अगर वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हमें दिखाई देते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति कुछ अपना ऋण अदा करें, और वो करने की कोशिश हम इस तरह से करते हैं। इसमें बिल्कुल उल्टा हुआ कि यदि आप हमें प्यार देते हो तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसे किसी न किसी तरीके से रिटर्न में कुछ दूं, और वो उन्होंने अंबिका निगम को श्रद्धांजलि देकर इस तरीके से दिया है मेरे लिए। फिर भी ये ऐसे पोस्ट की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं की जा सकती थी, तो शायद ये पोस्ट, वो पोस्ट एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सब के लिए, छोटों बड़ों के लिए, कि इस तरह से अगर आप अपने सहकलाकारों के प्रति दुख जताते हो, भावुकता दिखाते हो, उसी तरह से जिस तरह से आप वो भावुकता दिखाते हो, उसी तरह से यदि इस तरह आप अपने फैंस के प्रति डेडिकेशन दिखाते हो, तो आपके लिए हमारा जो आदर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये हम सब के लिए ही एक नया शायद पड़ाव है या नई शुरुआत है कि इस तरह से भी हम ये डेडिकेशन, फैंस के प्रति डेडिकेशन जो है वो रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी। और शायद इसीलिए मैं देख रही हूँ कि अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पर या उनकी जो 12 साल की जर्नी है पूरी, उसके लिए उनके जो फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली कुछ ना कुछ करते हैं, और वो खुद भी उसकी सराहना बहुत अच्छे तरीके से, हर बार बोलकर ही वो सराहना हो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसकी सराहना वो हर बार जितना पॉसिबल हो उस तरीके से वो उतना वो उसे अपने स्टोरी प्रीव्यू में डालकर या किसी न किसी तरीके से उसके बारे में चार शब्द लिखकर कहीं ना कहीं कुछ करते ही रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो फैन चली गई तो उन्होंने उनका उनके बारे में लिखा, ये वैसे भी ये सब कुछ करते रहते हैं। सो मैं उनका बहुत बहुत, लेकिन ये अचंभित करने वाला था, ये मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो तो बाकी सारी चीज़ें मैंने कई बार कई लोगों के पेज पर भी देखी हैं कि आप अगर उनका कोलार्ज करते हो उनके फ़ोटोज़ का, तो वो अपने पेज पर कवर फ़ोटो के रूप में रखते हैं या जो भी रखते हैं, लेकिन इस तरह से ये चीज़ इतनी इमोशनल, इतने इमोशनल तरीके से दुख व्यक्त करना, ये मैंने कभी नहीं देखा, किया हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। सो और वो भी एक यंग आर्टिस्ट, जिनको हमेशा एक कहा जाता है कि काफ़ी रूड होते हैं, काफ़ी खिंचे खिंचे होते हैं, कभी कभी अपने को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, ऐसे में जब एक यंग आर्टिस्ट
ये इस तरह की भावुकता दिखाता है तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए। ये हमारे ही जनरेशन के हैं, लेकिन हमारी जनरेशन शायद ऐसी एक जनरेशन थी, लास्ट जनरेशन, जिन्होंने दोनों दौर देखे। एक दौर वो था जहाँ कंप्यूटर थे ही नहीं, और एक दौर वो था जो जहाँ कंप्यूटर आना शुरू ही हुआ था। उसी वजह से शायद थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलने लगी, और जनरेशन गैप हर चीज़ में आता है, हर तरीके हर जनरेशन में आता है। वो आया, लेकिन फिर भी हम शायद, जैसा उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कहीं या बातचीत में, कि मम्मी मतलब पेरेंट्स जो कहते हैं उसको चुपचाप सुनने वालों में से थे, लेकिन सारे ही वैसे नहीं थे, कुछ विद्रोही हमारे जनरेशन में भी आए हैं थे। इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये कहें कि ये चीज़ सामने आती है आज के दौर में, तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय चीज़ है। मेरे लिए भी ये एक शायद पाठ था कि अभी भी शायद वो दौर है जो हमने देखा था वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। सो मेरा दिल से करण को प्रणाम, और उनका फिर एक बार मैं कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करती हूँ। आप ऐसे ही बने रहें, आपकी अच्छाइयाँ ऐसे ही हमें दिखती रहें, और इसी के कारण आपका जो फेम, आपकी पब्लिसिटी, आपका चार्म जो भी है वो सब और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। आगे आपका जन्मदिन आ रहा है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी ऐसे ही तरक्की हो, यही बहुत बड़ी दिल से प्रार्थना। Current recording 16 point. Free space. Back button. Pause button. Stop.